नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आगरमालवा की, जहां पर सत्र न्यायाधीश के स्थानांतरण पर बार एसोसिएशन द्वारा दी गई भावभीनी विदाई। आगे बात होगी धौलपुर की, जहां 55 साल के अधेड़ का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से गांव में फैली सनसनी। साथ ही आगे चर्चा होगी गुना की, जहां खाद्य की कालाबाजारी करने वालों पर की गई छापेमार कार्यवाही, 5 दुकानों को किया गया सील। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आगर मालवा से है। यहाँ जिला न्यायालय आगर में पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप दुबे के स्थानांतरण होने पर बार एसोसिएशन के द्वारा जिला न्यायालय के मेडिएशन हॉल में विदाई समारोह आयोजित किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप दुबे पिछले 2 वर्षों से जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ रहे। विदाई समारोह के दौरान न्यायाधीश के द्वारा उनके कार्यकाल के अनुभवों को अधिवक्ताओं से साझा किया गया। साथ ही बताया गया कि न्यायाधीश बनने से पहले वो भी अधिवक्ता थे और कहा कि मैं हमेशा कर्तव्य नियमों का पालन करते हुए काम करता रहा हूँ। इस बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मारू के द्वारा न्यायाधीश प्रदीप दुबे के कार्यकाल और उनके कार्यकाल के दौरान उनके लिए लिए गए निष्पक्ष फैसलों पर प्रकाश डाला और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर जिला अभिभाषक संघ आगर के सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय प्रमुख सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है। संदिग्ध परिस्थिति में अधेड़ का शव मिला। मृतक के पुत्र ने चाचा पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामले को लेकर फिरोज खान पुत्र शैतान सिंह SHO कंचनपुर थाना ने क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। 1 महीने पहले से झगड़ा चल रहा था। एक दीवार के पीछे जो सरीगत का मकान है उसके बगल में मेरा प्लॉट है, उस पर मैंने अपने दीवार लगा के मकान बना लिया था। और मेरे घर वाले हैं चाचा साहू, वो लोग मकान दीवार तोड़ने की धमकी दे रहे थे। चाहे मकान गिरे या कुछ गिरे, हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारी दीवार खाली करके दे। 1.5 महीने से झगड़ा चल रहा था और आए दिन रोजाना गाली गलौज करते थे, धमकी देते थे। आज उन्होंने अपनी धमकी साबित कर दी, मेरे पिताजी का हत्या कर दी। दूसरा मिले थी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है महुआ खेड़ा में, मुख्तार नाम का व्यक्ति मनिहार की मृत्यु हो गई। इस पर हम गांव में पहुंचे, बॉडी को वहां से लेकर के अपने यहाँ पोस्टमार्टम हेतु बाड़ी अस्पताल लेकर आए। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चे में रखवाया जा चुका है, जिसकी पंचायतनामा की कार्रवाई एवं पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। उसके लड़का फिरोज खान द्वारा एक रिपोर्ट तैयारी दी है, जिसमें आरोप लगाया है कि मेरे परिवारीजन के द्वारा मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई है। हत्या के संबंध में अनुसंधान किए जा कर विस्तृत जानकारी की जाएगी, रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, आगे कार्रवाई अनुसंधान से पता लगेगा मृत्यु कारण क्या। धौलपुर से सीनियर संवाददाता अनूप की रिपोर्ट। गर्मी, ठंड और बारिश में लगातार खेतों में अच्छी फसल की पैदावार में लगे किसानों को देश के अन्नदाता भी कहलाते हैं। वहीं खबर है गुना से। यहां शहर के कुछ व्यापारियों के द्वारा किसानों को मिलने वाले खाद की कालाबाजारी करने में माहिर होते जा रहे थे, जिसकी शिकायत किसानों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से की गई। शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों के द्वारा खाद्य विक्रेताओं की 5 दुकानों को सील कर दिया गया। हम आपको बता दें कि इस छापामार कार्रवाई में अपर कलेक्टर और खाद्य अधिकारी द्वारा 5 दुकानों पर छापामार की गई है, जिसमें इन कालाबाजारियों के पास से बड़ी संख्या में खाद के कट्टे, जिनमें DAP खाद के कट्टे की शासकीय कीमत 1,350 रुपये थी। वहीं उक्त खाद के कट्टे पर 200 रुपये अधिक लिए जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, गुना तहसीलदार गौरी शंकर बैरवा, ग्रामीण तहसीलदार कमन सिंह मंडेलिया ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया गया। उपरोक्त कार्रवाई में गुना मंडी सचिव उदय भान सिंह चतुर्वेदी, कृषि अधिकारी संजीव शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कुछ दुकानें सील की गई है सर, क्या मामला है? निरंतर शिकायतें मिल रही थी कि किसानों को कुछ निजी दुकानों से खाद अधिक रेट पर बेचा जा रहा है या मना किया जा रहा है। तो आज रैंडमली जाँच कराई गई और जो कुछ किसान खाद लेके जा रहे थे उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हमें ज़्यादा रेट में मिली है। तो फिर उस मामले की जांच पड़ताल करवाई गई तो वहाँ ये पाया कि उन किसानों को DAP खाद अधिक रेट में बेची जा रही है। शासन द्वारा निर्धारित दर 1,350 रुपये है, पर उससे अधिक पर उनको बेचा गया। तब फिर ऐसी चीज़ों पर उन किसानों को साथ में ला करके जिनसे उन्होंने खरीदा था उन सब दुकानों पर कार्रवाई की गई है, उनके गोडाउन को भी सील किया गया। कितनी दुकानें की है वो पंचनामे में लिखा हुआ सर, है। कितनी दुकानें सील की गई सर? 8 दुकानें हैं और एक गोडाउन है, सिर्फ 5 सील। सर, सरकारी रेट से कितना ज्यादा पैसा लिया गया किसानों से? लगभग 150 रुपये बोरी अधिक।
गुना से सीनियर संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है। कैमूर जिले के सासाराम लोकसभा संसदीय क्षेत्र का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। दो जगह पर हल्की झड़प की बातें सामने आई। मामले में 3 पुलिसकर्मी को चोट आई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बार नक्सल प्रभावित अधौरा के 26 बूथों को प्रशासन ने चैलेंजिंग के तहत शिफ्ट किया था। उन मतदान केंद्रों पर ही ग्रामीणों को वोट डालने के लिए अपील की गई थी। एक बूथ पर लोगों ने बहिष्कार किया, बाकी 25 बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान हुआ। वहीं अधौरा पहाड़ी इलाका दूरसंचार विहीन होने के कारण पोलिंग पार्टी के नीचे उतरने के बाद 6 बजे तक के मतदान का आंकड़ा जारी हो पाया। कैमूर जिलाधिकारी सावन कुमार और ACP ललित शर्मा ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। संसदीय लोकसभा क्षेत्र सासाराम 34 के अंतर्गत आज मतदान किया गया है हमारे मतदाता बंधु के द्वारा। और इस क्रम में बताना चाहेंगे कि जो 5 बजे तक का जो रिपोर्ट हम लोग के पास लगभग 49% वोटिंग हुआ है, 48.85, और अभी भी 1 घंटे का पोल बाकी है। और साथ ही साथ विशेष का जो अधौरा हम लोग के लिए चैलेंजिंग था कि बूथ शिफ्ट पहली बार हम लोगों ने नहीं किया था, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे में और शांतिपूर्ण वहाँ पर मतदान हुआ है, सिवाय एक को छोड़कर जहाँ पर लोगों के द्वारा वहाँ पर मतदान का बहिष्कार किया गया। इसके अलावा जो किसी प्रकार की विशेष कोई बड़ी हिंसक घटनाएँ नहीं हुई यहाँ पर, पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। कुछ जगह छोटे मोटे उपद्रव हुए तो उसको हम लोगों ने तुरंत कंट्रोल किया है। इसके अलावा टोटल जो है BU 8, CU 15 और BPAT 16 चेंज हुए थे मॉक पोल में, और बाद में जब एक्चुअल पोल स्टार्ट हुआ तो BU 2, CU 2 और BPAT 16 चेंज हुए थे। कुल मिला के अब तक हम लोग का जो यहाँ पर है चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है। अब जो है 6 बजे के बाद हमारे पोलिंग पार्टी नीचे आएंगे तो फिर वहाँ पर रिसीविंग सेंटर पर भी बिल्कुल व्यवस्था सही है और वहाँ पर हम लोग रिसीविंग का कार्य करेंगे। कितनी जगह पर चुनाव बहिष्कार हुआ और फिर प्रशासन के पहल भी? जैसे देखिए, एक तो रामपुर में था बहिष्कार, हम लोग वहाँ पर गए थे, वो चालू हो गया है, 2:30 बजे उन्होंने वोटिंग किया है और वो BU 16 जाएगा वहाँ पर पोलिंग। इसके अलावा एक बूथ था यहाँ 62 जहाँ पर 2 बूथ गिर गया था तो उसके बाद फिर वहाँ पर नहीं हो पाया, और एक भभुआ में भी है जहाँ पर लोगों के द्वारा वोट का प्रयोग नहीं किया गया, तो और एक बर्माकोट। टोटल अगर आप कहिएगा बिल्कुल नहीं हुआ तो 2 है, और लेकिन पार्सलिए को जोड़ भी ले तो 3 है टोटल। तो सर, अधौरा में जिस तरह से चैलेंजिंग था उस तरह से क्या प्रतिशत रहा होगा पार्सल तक देखा जाए तो? 6 बजे पूरा पता चल, जब पार्टी नीचे आना शुरू हो जाएगा, चूँकि नेटवर्क से हम लोग बाहर अभी हैं तो वो एक्चुअल जब आ जाएगा डाटा, वैसे टेंटेटिव है लेकिन एक्चुअल आ जाएगा तो हम आपको फिर दोबारा एक रात में प्रेस रिलीज जारी करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जी, आज का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया है। कहीं कहीं कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जैसे एक भभुआ थाना अंतर्गत दतियाँव है, वहाँ पे भी कुछ बूथ के बाहर में कुछ उपद्रव कर रहे थे, उसे पुलिस तुरंत पहुँची और 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा चांद थाना अंतर्गत भी एक बहदुरा गांव है, वहां पर भी कुछ इसी तरह का मामला आया था, वहां भी पुलिस ने इंटरवीन किया था तो फिर वहां से भी शांतिपूर्ण पूरे तरीके से उसको निपटा लिया गया। थोड़े कुछ लोग वहां उपद्रव कर रहे थे, वो वोट का बहिष्कार कर रहे थे, जब यहां से प्रशासन के लोग गए तो उन लोगों ने समझाया उनको कि ऐसा कोई भी इशूज़ नहीं है, कुछ बिजली और कुछ सड़क की उनकी डिमांड थी। कई लोग तैयार हो गए, जब वोट देने जा रहे थे तो कई लोग उनको रोकने लगे, ऐसे में शिकायत प्राप्त हुई कि लोगों को रोका जा रहा है वोट देने से वहाँ, तो वैसे तत्वों को चिन्हित करके कार्रवाई करने के पुलिस पहुँची तो पुलिस के साथ ही वो लोग उलझ गए, जिसमें 3 पुलिसकर्मी हल्के रूप से जख्मी हुए थे। और तो वहाँ भी हम लोगों ने कुछ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, आगे कार्रवाई की जा रही है। जी, सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए पहाड़ का था, जहाँ पे 26 बूथ जो शिफ्ट हर बार हो रहा था, इस बार हमने शिफ्ट नहीं किया था, तो इसके लिए काफ़ी वृहद पैमाने पे कम्युनिकेशन का डिप्लॉयमेंट का भी प्लान किया गया था, बूथ पे भी डिप्लॉयमेंट किया गया था और रोड ओपनिंग के लिए भी काफ़ी संख्या बल को लगाया गया था, वो चैलेंज था हम लोगों के लिए। लेकिन फाइनली उसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों ने मतदान किया और सफलतापूर्वक पहाड़ पे सब जगह ही मतदान हुआ, कहीं भी कोई विधि व्यवस्था भी कोई समस्या नहीं हुई। जी, पहाड़ पे कहीं भी कोई नहीं, लोगों ने काफ़ी सहयोग किया था और कहीं कोई पहाड़ पे कोई छिटपुट घटना भी नहीं हुई, लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ ही पुलिस को सहयोग किया और अपने मतदान के प्रक्रिया में भाग लिया। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर सिरोंज से है। आज शनिवार को पूर्व जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर लक्ष्मीकांत शर्मा स्मृति लोक कल्याण न्यास के रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल हुए। बता दें शिविर में दोपहर 1 बजे से 6 बजे तक 160 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर रात 10 बजे तक चला। वहीं गर्भवती महिलाओं में 4 से 5 ग्राम हीमोग्लोबिन रह जाता है। ऐसे में कई महिलाओं को प्रसव में 4 यूनिट तक ब्लड देना पड़ता है। ब्लड डोनेट करने के बाद विधायक उमाकांत स्वागत। ब्लड डोनेट करने के बाद सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा रक्तदान करने वालों का हारमाला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। है उसके सभी लक्ष्मीकांत जी के सुचिंता बड़े बूढ़े छोटे बड़े माता बहने भवान बेटियाँ सबने ये आयोजन किया है और उद्देश्य यह है मानव कल्याण के लिए चरण लटेरी विधानसभा क्षेत्र के प्रगति विकास और जनता के कल्याण के लिए सबके लिए लक्ष्मीकांत जी ने जीवन दिया। रक्तदान के माध्यम से जीवन दान होता है। आवश्यक जिन लोगों को बीमार है और रक्त की जरूरत है आवश्यकता है उन्हें रक्त मिलेगा। इससे हम सब लोगों को भी और स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी की आत्मा को भी प्रसन्नता हो। मानव सेवा की दृष्टि से आयोजन किया जाएगा। अभी लगभग 160 से ऊपर व्यक्तियों ने माता बहनों ने पहली बार हमें माता बहनों का बड़ा अच्छा सहयोग मिला है योगदान हुआ है और 160 लोग अभी तक योगदान कर सिरोंज से सीनियर संवाददाता चंद्रेश सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।